योगी सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा और शोषण को लेकर लाख वादे कर रही हो, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। बेखौफ दबंग पुलिस से साठगांठ कर अत्याचार की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये मामला बिलारी का है, जहां एक शख्स ने पहली पत्नी होते हुए भी दूसरी शादी कर ली। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। ये है यूपी पुलिस का चेहरा। देखिए, महिला इंसाफ लेने आई थी लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। 4 घंटे लगातार महिला को पुलिस को बुलाते हुए होगा, लेकिन 100 नंबर भी आई और थाने पुलिस भी आई थी, लेकिन कोई भी महिला को इंसाफ नहीं मिल पाया। पिछले 4 घंटे से लगातार महिला इंसाफ के लिए लड़ रही है। मामला बिलारी कोतवाली का है। यहाँ महिला का पति दूसरी शादी जबरदस्ती अपनी मर्जी से करना चाहता है, लेकिन महिला ने पुलिस की मदद से उस शादी को रुकवाना चाहा, लेकिन महिला को कोई भी मदद नहीं मिल पाई और पुलिस द्वारा उसके पति और जो दूसरी लड़की को वहाँ से भामरों की जगह से दूसरी जगह भामरे डरवाने के लिए भेज दिया गया और उस महिला को कोई भी मदद नहीं मिल पाई। यहाँ महिला पटक पटक सर पटक पटक कर बेहोश स्थिति में पड़ी है और पुलिस यहाँ से चलती बनी। यहाँ रात के 1 बजने जा रहा है, लेकिन सभी अधिकारियों को उच्च अधिकारियों को फोन द्वारा सूचित करने की कोशिश की, किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया। बताया जा रहा है, पीड़ित महिला द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ हमने 100 नंबर को कम से कम 20 बार कॉल कर चुके, 100 नंबर भी यहाँ आती है और चली जाती है, लेकिन उस समय पुलिस आई तो लड़का भी यहीं था, लड़के के परिवार वाले यहीं थे, पूरी बारात गाँव से आई हुई थी, लेकिन कोई भी नहीं तो पुलिस ने गिरफ्तार किया और नहीं किसी को भी अभी तक पकड़ा है और नहीं कोई कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि महिला के साथ पिछले 3 साल से शोषण कर रहा था वो व्यक्ति, अपनी पत्नी बनाकर घर में रख रहा था, लेकिन उसको अब छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करने के लिए आज रुस्तमपुर बरौली गाँव में आए थे। यहाँ पुलिस द्वारा लगातार चौकी इंचार्ज जरगांव समेत अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे, लेकिन महिला की कोई भी मदद नहीं करी। हम लोग भी 4 घंटे से लगातार यहाँ लाइव खबर बनाने पर लगे हैं, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं पुलिस गांव वालों पर ही लाठी बजाते हुए नजर आई। इतना ही नहीं, पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का प्रयास किया और जबरदस्ती दूसरी शादी कराने की कोशिश की है। पीड़ित परिवार बताया जा रहा है कि पुलिस जब तक आई थी तो हमारे पक्ष में थी, लेकिन दोबारा जो 1 घंटे बाद पुलिस विपक्ष में जाने लगी और गांव वालों पर डंडे बजाने लगी। इतना ही नहीं, पीड़ित पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पुलिस को कुछ पैसे दे दिए गए और साठगांठ हो गई है, लेकिन पुलिस हमारी इसीलिए कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी आखिर महिला योगी सरकार महिला की सुरक्षा के लिए लाख वादे करती है, लेकिन सामने जमीनी हकीकत कुछ और है। यह महिला के साथ कितना पुलिस खाकी, जिस पे विश्वास कर आदमी विश्वास करते हैं, वो ही खाकी आज एक महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही और उसे इंसाफ नहीं दिला पा रही। उस महिला के साथ अन्याय किया जा रहा है पुलिस द्वारा और उसके पति द्वारा। वो महिला आखिर पुलिस से आश्वासन कर रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। CMA न्यूज दानवीर सिंह मुरादाबाद बिलारी। कौन से थाने पड़ता है ये? अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था कि मेरी शादी हुई थी, पहली वाली शादी मेरी हुई थी 2010 में मुकेश के साथ में। मेरे पति एक्सपायर हो गए 3 साल के बाद, ठीक है। 2010 में मेरी शादी हुई थी, 13 में वो खत्म हो गई। उसके बाद में फिर देवर के साथ में मैंने शादी कर ली। किसी के सामने बैठी थी आप? नहीं, सामने नहीं, बिचौलिया थे जिसने मेरी पहली शादी कराई थी, वही बिचौलिया थे। अच्छा, और वो लड़के का मेरे जो हस्बैंड जो है उनके भाई थे वो पेरे। आपके देवर कैसे इस्तेमाल करते थे आपको? सही रखते थे जब पत्नी की तरह इस्तेमाल करते थे या फिर जी कैसे इस्तेमाल करते थे? सही करते, बिल्कुल पत्नी की तरह इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद में अब इनने चोरी चोरी इन्होंने शादी कर रहे हैं, ठीक है। नहीं मेरे पास कोई फोन, नहीं कोई सूचना, नहीं कुछ बताया है। क्या आप दूसरी अब वो शादी दूसरी कर रहे हैं? अब वो दूसरी शादी कर रहे हैं, आज बारात लेके आए इसी घर में और इसी गाँव में। कौन से गाँव में लेके आए? बरौली में। अच्छा, तो आपने कहाँ सूचना दी थी ये? ये मैंने देखो SO के पास भी दे दी, पनीचर थाने में, और CO के पास को भी दे दी, DM को भी दे दी, हर जगह दे दी मैं। और अब क्या हुआ यहाँ के, क्या आपको निर्णय हुआ? अब मैं शादी रुकवाने के चक्कर में हूँ, शादी अब नहीं होने दूंगी। क्यों नहीं होने देंगी? अब ये बताओ दूसरी शादी में कैसे हो जाने दूंगी मैं, कहाँ जाऊँगी ये बताओ पहले तो। मैं पहली बात तो मेरे पति पहले एक्सपायर हो गए, दूसरी बात मैं इनके साथ में मेरी शादी होगी, फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अच्छा, बहुत कुछ कहा लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे आपकी पुलिस मदद नहीं करेगी तो आप क्या कदम उठाएंगे? जैसे फिर क्या कदम उठाएंगे? मैं फेरी नहीं डालने दूंगा, चाहे वो मुझे मार दे चाहे मैं उन्हें मार दूँ। 100 का मतलब एक है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे अपने पति से मतलब। क्या नाम है उसका? नंद किशोर। बच्चा बच्चा आपके पास? मेरे पास बच्चा नहीं, यही तो वजह है।
ट्रीटमेंट कहीं कराया नहीं है। डॉक्टर के पास एक बार लेके गए थे तो उससे जाकर डॉक्टर से मिल गए थे, बोल रहे थे सर जहर की गोली और दे दी। कहाँ का डॉक्टर था, कौन था? यहाँ का सेफनी का। अहमद क्या करने आए थे आप यहाँ? यहाँ बेड देने आए। कौन से गाँव में? ये कौन से गाँव में? बरौली। बरौली में। तो क्या हुआ, बारात चढ़ाई आपने? बारात नहीं चढ़ी है अभी। अब टाइम देख रहे हैं आप कितने, डेढ़ बज रहे हैं इस टाइम। क्यों नहीं चढ़ पाई, क्या बज रही? कोई इनमें कोई लड़के वाला में या लड़के वाला में कोई ऐसा विवाद हुआ जो पुलिस केस हो गया, पुलिस दिया हुई है, इसलिए बारात नहीं चढ़ पाई। अच्छा, हम यहाँ पड़े हैं। कौन से गाँव से बारात आई थी? बारात मानकपुर से। अच्छा, लड़के का क्या नाम था? लड़के का नाम